गाइस 2020 में इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा काफी रहा, अब 2021 में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की काफी मांग होने वाली है। ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों पर अपना फोकस कर रही है। गाइस कुछ नए तो कुछ ओल्ड कंपनी हर साल अपना जलवा दिखाती है। इसी बीच आज हम लाए हैं 3 मेड इन इंडियन इलेक्ट्रिक कार्स, लेकर कुछ इंडिया में आने वाली घासू कार जिन्हें आप देखते ही रह जाओगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट। तो शुरुआत करते हैं मेड इन इंडियन इलेक्ट्रिक कार से। प्रवेग इलेक्ट्रिक कार। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी प्रवेग डायनेमिक्स ने भारत में बनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार प्रवेग एक्सटिंक्शन से पर्दा उठा दिया है, जो कि बेहतरीन लुक और शानदार फीचर्स वाली सीडन सेगमेंट की कार है। प्रवेग कंपनी इस कार को इसी साल में लॉन्च कर सकती है। प्रवेग अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को MK1 नाम से लॉन्च कर सकती है और इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रवेग एक्सटिंक्शन के बारे में कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज करने पर 504 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही इसकी टॉप स्पीड 196 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही प्रवेग डायनेमिक्स का ये भी दावा है कि प्रवेग एक्सटिंक्शन को महज 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि प्रवेग एक्सटेंशन MK1 को महज आधे घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। साथ ही लग्जरी के मामले में मर्सिडीज एस क्लास और बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में टेस्ला कारों जैसी है। प्रवेग एक्सटेंशन को लेकर किए जा रहे इतने दावों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार की कीमत ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये देसी इलेक्ट्रिक कार है, ऐसे में से मिड रेंज में भी भारत में पेश किया जा सकता है। फिलहाल भारत में टाटा नेक्सन ईवी, MG ZS ईवी और Hyundai Kona समेत हाई रेंज की और भी इलेक्ट्रिक कारें हैं जो मार्केट में दिख रही है। आने वाले समय में कई और घासू इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होने जा रही है। ऐसे में लोगों की निगाह निश्चित रूप से प्रवेग एक्सटेंशन पर भी टिकी हुई है कि बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार में ऐसा क्या कुछ देने वाली है जिसमें सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है। प्रवेग एक्सटेंशन MK1 में 96 kWh की बैटरी दी गई है, जो कि 150 kW यानी 200 HP तक की मैक्सिमम पावर और 2400 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती है। कंपनी इस कार में 5-स्टार सेफ्टी का दावा करती है, साथ ही इसे ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ पेश करना चाहती है। हालांकि सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को भारत में मंजूरी नहीं दी है। गाइस MG ग्लोस्टर इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। प्रवेग डायनेमिक्स ने हर साल इस कार की 250 यूनिट बेचने का लक्ष्य रखा है, जो कि शुरुआत में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए और फिर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में भी इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। देसी इलेक्ट्रिक कार प्रवेग के फीचर्स की बात करें तो 4 डोर्स वाली स्टीडेंट कार में स्वीपिंग रूफ, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED कनेक्टिंग बार के साथ LED टेल लैंप्स, रिक्लाइन रियर पैसेंजर सीट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, HEPA एयर फिल्टर्स, 8 एयरबैग्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी समेत अन्य फीचर्स भी शामिल है। गाइस कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर से तो पर्दा उठा ही दिया है, लेकिन इंटीरियर की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। प्रवेग डायनेमिक्स ने इस कार की कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इस कार के बारे में खास बात आपको बता दूं कि इसकी बिक्री किसी शोरूम के जरिए नहीं होगी, और अगर आपको खरीदनी है तो कंपनी खुद ही आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। लाडा ओका सिटी कार। रशिया की कार मेकर और ग्रुप रेनॉल्ट की लाडा ब्रांड ने एक घासू कार का 2019 में प्रोटोटाइप पेश किया था। ये कार दिखने में भी स्मार्ट और चलने में भी स्मार्ट लगती है। लाडा ओका सिटी कार में 3 डोर्स दिए गए हैं। इस कार के डोर्स दूसरी कारों से काफी अलग दिए गए हैं। लाडा ओका सिटी कार का प्रोटोटाइप बाहर से अपनी आंखों को काफी अट्रैक्ट करता है। लाडा ओका निर्माता कार को 2 वर्जन में पेश करने की योजना बना रहा है, यानी ये कार गैसोलीन फ्यूल या इलेक्ट्रिक पावर से चल सकती है। ये कार दिखने में काफी छोटी दिखती है। अब देखना यह होगा कि ये कार कंपनी कब तक मार्केट में लाती है। इस कार के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। टेस्ला मॉडल 3। अमेरिका की कंपनी टेस्ला भारत में इसी साल अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर पर मोहर भी लगा दी है। ऐसे में टेस्ला ने इंडियन कार मार्केट में एंट्री करने के साथ ही छाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही भारत में टेस्ला की घासू इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 की बुकिंग शुरू होने वाली है। आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला की पहली कार भारत में लॉन्च हो जाएगी। ऐसे में जहां एक तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं लोगों के पास बेहतर इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन भी होंगे। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टेस्ला दुनिया की कुछ बेहद पॉपुलर कार कंपनी में से है, जो कि अपने शानदार डिजाइन और बेहतरीन एडवांस फीचर के लिए जानी जाती है। टेस्ला की घासू इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है, जो कि सिंगल और डुअल मोटर ऑप्शन के साथ आएगी। ये कार महज 3.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह कार सिंगल चार्ज में 322 मील यानी कि 518 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देती है। इसके अलावा इस कार की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार की लंबाई 4693 मिलीमीटर, चौड़ाई 2087 मिलीमीटर और इसमें 2875 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया गया है। इस कार में कुल 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था दी गई है। ओवरसीज मार्केट में कंपनी सुपर चार्ज लोकेशन भी दे रही है, जिससे महज 15 मिनट में कार इतनी चार्ज हो जाती है कि ये कार 276 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। माना जा रहा है कि अमेरिका की कंपनी टेस्ला भारत में खुद अपनी डीलरशिप शुरू करेगी और साथ ही टेस्ला के सेल्स नेटवर्क भी शुरू किए जाएंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए टेस्ला के सर्विस सेंटर भी खुलेंगे। गाइस, ये खबर भी चल रही है कि भारत में टेस्ला के असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खुल सकते हैं, जहां टेस्ला की कारें असेंबल होने के साथ ही बनेगी भी। टेस्ला मॉडल 3 पूरी तरह से निर्मित इकाई के रूप में भारत आएगी और ये संभावना है कि कंपनी अपनी कारों की बिक्री डीलरशिप के जरिए नहीं करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कार की कीमत 55 लाख रुपए हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 3 मेड इन इंडियन और भारत में अपकमिंग आने वाली इलेक्ट्रिक कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।